मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 12वीं बाद का गेट खोलने से इलाके में नदियां उफान पर हैं और गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही पुल से यातायात को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अंबरनाथ और मुरबाड़ तालुका के बीच में स्थित 12वीं बांध इलाके में भारी बारिश के कारण बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इससे 12वीं नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बांध से गुजरने वाले यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि 12वीं नदी पर बना पुल भी पानी के नीचे आ गया है। अंबरनाथ और मुरबाड़ तालुका के बीच में ये बांध है और यह 12वीं बांध अगस्त के महीने में ही ओवरफ्लो हो गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे से 12वीं बांध के इलाके में भारी बारिश के कारण बांध का जलस्तर बढ़ गया है और बांध के सभी गेट एक बार फिर खोल दिए गए हैं और भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। यहां से 12वीं नदी के किनारे जो गांव हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है और यातायात भी पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि 12वीं नदी का बना हुआ पुल भी पानी के नीचे आ गया है। दूसरी ओर वहीं 12वीं बांध का पानी उल्लास नदी में मिल रहा है। उल्लास नदी भी उफान पर आ गई है और उल्लास नदी के किनारे बसे गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। वहीं जिस तरह से 12वीं बांध का भी पानी छोड़ा गया है, इससे लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है।